नमस्ते। अरे अर्णा, तुम्हें तो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू रंजना जी। बैठिए आप लोग। इमली, ये क्या कर रही हो? हमारा मतलब है, किसने कहा तुम्हें ये सब करने को? हमने कहा है। इमली इस घर की बहू है, और अगर वो हरियाली पूजा में नहीं आएगी तो फिर अरे दैया रे, हम तो अभी से ही थक गए हैं। हमारे दाएं हाथ में और बाई कमर में तो अभी से ही दर्द है। कितना भारी सिंधारा भेज दिए छोटी बहू के मायके वाले। ये भगवान हरियाली तीज के लिए भेजे हैं या हमारी कमर से कौनो बदला लेने के लिए भेजे हैं? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों का मायका एक ही है, फिर भी एक बेटी के लिए तो सिंदूर आया है और एक के लिए कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है। बड़ी बहू के लिए सिंदूरा नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बड़ी बहू ने अपने मायके से संबंध खत्म कर लिए। और वैसे जरूरत भी क्या, अब ये बड़े घर की बहू है, इसे छोटे घर से संबंध बनाने की जरूरत भी नहीं। अब शुरू करें पूजा। आइए झूला झूलने की रस्म शुरू करते हैं। बिजली, तुझे झूला नहीं झूलना? अरे सच माँ, हम भी झूलेंगे। और आप सबको पता है, हमने तो आज उपवास भी रखा है ताकि भोलेनाथ जी जल से हमें भी एक अच्छा सा भोला सा पति दिलवा दे। तू एक काम कर बिजली, तू झूले पर आकर बैठ जा, झट से तेरी मंगनी और पट से तेरा ब्याह हो जाए। सच मालकिन, अरे आपके मुंह में घी का लड्डू। ए बिजली, चल तो को हम ना झूला झुलाई दे ताकि तोरी ना शादी जल्दी से हो जाए और ये हवेली में तेरी बकबक बंद हो जाए। चल 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 चल। अरे तेजस्वी बहन, आपकी बहू को झूले में बैठाइए और दूल्हे को बुलाइए। वो कहाँ है? अरे वही तो झोंका देंगे। वो हमारा बेटा भी आया नहीं है। अरे सूरज नहीं है तो क्या हुआ? विवान तो यहीं पर है और उसकी दुल्हन भी यहीं है, उसे ही बिठा दीजिए। बिजली, जा देख किसका फोन है। छोटी बहू तो झूले पर आकर बैठ गई, अब विवान बाबू आएंगे तभी तो वो झूला झूलेगी ना। कौन था? अरे कौन जाने कौन था, बिजली की आवाज सुनते ही उसकी आवाज बंद हो गई और खट से फोन ही काट दिए और हम है कि हेलो हेलो बोलते ही रह गए।
ठीक है चकोर, तुमने अपना खेल खेल लिया, अब हमारी बारी है, हम खेलेंगे। और आज रात तुझे वो भी नहीं बचा पाएगा जिसकी तू पूजा कर रही है। जी आज झूला झुला रहे हैं, उन्हें भी सेवा का मौका दो। अरे ये क्या, अब बड़ी बहुरानी को झूला कौन झुलाएगा? हम झुलाएंगे झूला अपनी पत्नी को। ठीक नहीं किया चुको, बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती की सजा आज रात तुम्हें मिलेगी और वो सजा तुम कभी नहीं भूल पाओगी। तुम शराब पीकर पूजा में आए हो? जी सूरज पाप है। इमली, इमली तुम ठीक तो हो ना? हमने तुमसे कहा था ना झूले पे मत बैठना, चक्कर आ जाएंगे, ऊपर से तुम्हारा उपवास भी। चलो कमरे। अरे नहीं नहीं, आप यहीं रहे, हम खुद ही जाते। इमली चलो। महादेव बुरी नजर से बचाए इन दोनों को, दोनों में बहुत ही प्यार है। सूरज जी क्या कर रहे हो? नीचे उतारो। अरे सूरज क्या कर रहे हो? सूरज पागल हो गए हो क्या? अरे छोटे लाला तो छोटे लाला, बड़े भी कोई कम नहीं है, देखो तो सही, दोनों अपनी बीवी के पल्लू से बंधे हुए हैं। इतनी खाली पेट ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे तीज का त्योहार साल में एक बार ही तो आवत है। पर हमने तुमसे कहा था ना कि भूखे रहना ना तुम्हारे लिए अच्छा और ना ही तुम्हारे बच्चे के लिए। पीलो, पानी पीलो। बस तुम ले जाओ, हम खाना लेकर आते हैं। कितना अंतर है ना दोनों के बीच। सूरज छोड़ो हमें, नाटक खत्म हो चुका है, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कौन है दरवाजा?
बोला था तुम्हें, विवान और इमली को सब कुछ सच बता दोगी तो तुम जीत जाओगी, जीत जाओगी तुम। इमली को कमल नारंग के खून के आरोप में फंसाकर तुमने हमें तलाक लेने से रोक दिया। तुमने हमें यह सच बोलने से नहीं रोका था, सूरज की अदला बदली तुमने की है, इसीलिए हमने वही किया जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब हमारे सामने से हटो और हमें जाने दो यहां से। ये लो गर्मा गर्म पूरी खाओ। अरे तुम लेटी रहो, हम खिलाते तुम। मुंह खोलो। अब मान बाबू हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम खुद ही खा लेते हैं, और आप भी थोड़ा सा खा लो हमारे साथ। अरे हम तो सुबह से खा ही रहे हैं, तुम्हारी तरह भूखे थोड़ी हैं। खाओ चलो। बाबू आपका बहुत बड़ा एहसान है हमरे ऊपर कि आपने हमका नीचे बराबर संभाल लिया, पर वो सूरज उनका भी पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं इमली, हमें लगा था अगर तू बोलेगी कि अदला बदली हमने की है तो कोई नहीं मानेगा, हमें तेरी जबान पहले से ही बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब सही। हम आज तेरी जबान ऐसे बंद करेंगे कि किसी के सामने नहीं खुलेगी। नहीं छोड़ो। सूरज छोड़ दो हमें, नहीं तुम चिल्लाएंगे पुलिस को बुलाएंगे, छोड़ो हमें। पिया बीवी के बीच में पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्या करेगी पुलिस? विवान बाबू आपका छोड़ के बच जाइए, आपका अच्छा नहीं लग रहा है, हमने बहुत सी लड़ाई अकेले लड़ी, लेकिन अब हमका लागत है कि अपने अंदर की सारी शक्ति खत्म हुई गई है। हमका ऐसा लागत है कि हमको ना कपड़े की गुड़िया है जिसके अंदर सब कुछ वो होते पर जान नहीं। अब हमका छोड़ के बच जाइए, आपका कच्चो भी अच्छा नहीं लग रहा, आपका मायके बहुत याद आ रही है, अगर भाई अपने संगोती अभी तू आपका उनके गोद में सुला कर लोरी भी सुनाती। इमली देखो, हम तुम्हारी माई की तरह तुम्हें लोरी तो नहीं सुना सकते, अगर हम तुम्हारे साथ तुम्हारे पास सो जाओ। विवान बाबू आप हमका पक्का छोड़ के नहीं जाइए ना? बिल्कुल पक्का, हम तुम्हारे साथ यहीं पर ही हैं, तुम आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। अगर चकोर और सूरज की शादी एक गलती है,
तो चकोर ने सूरज को अभी तक तलाक क्यों नहीं दिया? दोनों एक साथ क्यों रह रहे? और अगर ये सब कुछ वो किसी मजबूरी में कर रही है तो हमें पता लगाना होगा कि वो मजबूरी क्या है। तुम तो खुद हमारे पिंजरे में आई हो ना, आप उड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों उड़ने की कोशिश कर रही हो? अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तुम इतने गिर चुके हो। हम गिरे हुए नहीं थे, तुमने हमें गिरने पे मजबूर किया है। चकोर, तू कब से इतनी कमजोर हो गई कि आज खुद की ही रक्षा नहीं कर पाई? पकड़ने के लिए हाथों में बल होना चाहिए। अगर हम कमजोर नहीं होते तो कल जो सूरज ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया वो कभी नहीं कर सकता था। हमें एक बार फिर अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लाना होगा। आज से हम फिर से वही चकोर बनेंगे जिसने नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। हमें रोज एक्सरसाइज करनी होगी, रोज दौड़ लगानी होगी ताकि सूरज हमारे साथ फिर वो कभी ना कर सके जो उसने कल रात किया।
अगर हम खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो हम किसी और के साथ कैसे बढ़ाएंगे? हम तुमसे या किसी और से नहीं दबने वाले सूरज, यह हमारा वचन है।